दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे 2021 की राशन कार्ड लिस्ट कैसे देखें, आपका राशन कार्ड लिस्ट में नाम है या कट गया है और आपके राशन कार्ड में कितने यूनिट दर्ज हैं, कितने कट गए हैं, सारी जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपका इस लिस्ट में नाम होगा तो आपको मिलेंगे 35 किलो गेहूं, चावल, चना हर महीने। तो दोस्तों कैसे देखेंगे राशन कार्ड लिस्ट, इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास आए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि आप देख सकें हमारी नई नई वीडियो सबसे पहले। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। राशन कार्ड लिस्ट देखने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर को सिलेक्ट कर लेना है। मैं आपको दिखाता हूँ क्रोम ब्राउजर सिलेक्ट करके। दोस्तों क्रोम ब्राउजर में आपको लिख देना है राशन कार्ड, जिस राज्य की आप देखना चाहते हैं लिस्ट उस राज्य का नाम आपको लिख देंगे आगे उसके। मैं आपको दिखाता हूँ यूपी की, मैं यहाँ लिख देता हूँ राशन कार्ड यूपी। राशन कार्ड यूपी लिखकर आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको ये वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है वेबसाइट पर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अब आपको नीचे की ओर आना है और आपको ये दिख रहा है राशन कार्ड की पात्रता सूची, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे फिर आपने जो राज्य चुना था उस राज्य में जितने भी जिले हैं सारे जिले आ जाएंगे। अब आपको अपना जिला चुन लेना है, यानी कौन से जिले की आप लिस्ट देख रहे हैं उस जिले को चुन लेंगे। जैसे ही आप जिला चुनेंगे आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, आप टाउन एरिया के रहने वाले हैं या ग्रामीण क्षेत्र की, या कौन से क्षेत्र की आप लिस्ट देखना चाहते हैं, टाउन एरिया क्षेत्र की या ग्रामीण क्षेत्र की। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ ग्रामीण क्षेत्र की, यहाँ आप अपना ब्लॉक चुन लेंगे। जैसे ही आप अपना ब्लॉक चुनेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, यानी जिस ब्लॉक जो ब्लॉक आपने चुना उस ब्लॉक में जितने भी ग्राम पंचायत यानी गाँव होंगे सारे गाँव आ जाएंगे। अब आपको अपना गाँव चुन लेना है। जैसे ही आप अपना गाँव चुनेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। दुकानदार का नाम, पात्र ग्राहस्थाई राशन कार्ड, अंत्योदय राशन कार्ड, आपको कौन से राशन कार्ड की लिस्ट देखना है उसी पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ अंत्योदय राशन कार्ड की। अंत्योदय राशन कार्ड की लिस्ट देखने के लिए ये कुल संख्या दिख रही है आपको ब्लू कलर में, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी। इस लिस्ट में अगर आपका नाम होगा तो आपको 35 किलो राशन हर महीने मिलेगा सरकार की तरफ से। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं देखना हमारे राशन कार्ड में कितने यूनिट हैं तो आपको इस राशन कार्ड संख्या पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप राशन कार्ड संख्या पर क्लिक करेंगे आपके सामने यूनिट आ जाएंगे कितने यूनिट हैं इस राशन कार्ड में। इस राशन कार्ड में 6 यूनिट हैं। तो दोस्तों इस राशन कार्ड में चाहे 6 यूनिट हो या 1 यूनिट हो इस पे 35 किलो ही राशन मिलता है। और दोस्तों पात्र ग्राहस्थाई राशन कार्ड लिस्ट कैसे देखेंगे, आपको बैक आकर आपको ये पात्र ग्राहस्थाई राशन कार्ड की लिस्ट देखने के लिए कुल संख्या दिख रही है आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पे क्लिक करेंगे आपको पात्र ग्राहस्थाई राशन कार्ड की लिस्ट देखने को मिल जाएगी। दोस्तों इस पर 5 किलो पर यूनिट पर राशन मिलता है। तो दोस्तों इस पे यूनिट देखने के लिए राशन कार्ड संख्या पर क्लिक करेंगे फिर आपको यहाँ यूनिट मिल जाएंगे। यहाँ इनके 7 यूनिट हैं, यानी 7×5 35 किलो यहाँ राशन मिलेगा। तो दोस्तों इस पे 5 किलो पर यूनिट पर राशन दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं अपने राशन कार्ड की लिस्ट, आपके राशन कार्ड में कितने यूनिट है और कितने कट गए हैं इससे पता चल जाएगा आपको, आपका दुकानदार कितना राशन दे रहा है इसे देखकर आप ले सकते हैं और आपको दिखा सकते हैं उसे हमारे राशन कार्ड में यूनिट इतने यूनिट दर्ज हैं। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।